सोलन में पानी की समस्या ने विकराल रूप ले रखा है। शहर में पानी चौथे और पांचवें दिन आ रहा है। ये समस्या नगर निगम के नव निर्वाचित मेयर पूनम ग्रोवर, डिप्टी मेयर और पार्षदों की पहली चुनौती है। इस समस्या की जड़ क्या है, ये जानने के लिए मेयर अपनी टीम के साथ पानी के टैंकों तक पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने टैंकों का औचक निरीक्षण किया तो पाया कि पानी के टैंक खाली पड़े हैं और पानी की सप्लाई बेहद कम है। इस बारे में जब संबंधित अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने पानी की कमी का खुलासा किया। पता चला है कि सोलन के पानी की सप्लाई पर कट लगा है। कसौली और परमाणु की सप्लाई की जा रही है, जिस पर नगर निगम के पदाधिकारियों ने कड़ा संज्ञान लिया और पहले सोलन के पानी के टैंकों को भरवाने के आदेश दिए। मेयर पूनम ग्रोवर ने तुरंत तमाम अन्य सप्लाईयां बंद करवाई। शहरवासियों को पीने के पानी मिले इसके लिए वे स्वयं टैंकों के पास घंटों बैठी रही। उन्होंने अपने सामने पानी के टैंक भरवाए ताकि सोलन शहर में पानी की सप्लाई सुचारू हो सके। सोलन की प्रथम मेयर पूनम ग्रोवर ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि गिरी पेयजल योजना सोलन वासियों के लिए बनाई गई थी, इसलिए इस पानी को सोलन वासियों पर पहला हक है, लेकिन आईपीएच अधिकारियों के आदेशों पर सोलन में सप्लाई किए जा रहे पानी पर कट लगाया गया और उसे कसौली और परमाणु भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा यहां पर भी पानी की राजनीति कर रही है, लेकिन वे ऐसा नहीं होने देंगे और अगर फिर भी वे अपनी मनमानी करते हैं तो इसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोलन के हक पर वे कट बर्दाश्त नहीं करने वाली हैं। सुबह 5 बजे से हमें लोगों के फ़ोन आ रहे हैं पानी के लिए, तो हमने यहाँ पे पानी के लिए टैंकों पे निरीक्षण किया है तो हमारे 12 लाख गैलन वाला जो टैंक है वो बिल्कुल खाली पड़ा है और 8 लाख गैलन में जो है 3-3.5 लाख है वो जो हमने फायर के लिए इमरजेंसी उस पर रखा हुआ है, और बड़ा जो 18 लाख गैलन वाला पानी है वो उसमें तो पानी जो है बिल्कुल 2 इंच पानी गिर रहा है। तो सुबह एक्सीएन आईपीएच से भी बात हुई है तो जैसे उन्होंने सप्लाई जो है धर्मपुर कसौली कंस्टिट्यूंसी में दी हुई है तो ये जो स्कीम बनी हुई थी गिरी योजना की वो सोलन शहर के लिए बनी हुई थी, तो ये राजनीति हो रही है, ये क्या हो रहा है, ये पानी सारा जो नीचे दिया जा रहा है तो ये LR के वहाँ पीछे से ही जो सप्लाई लाइन जो है वहाँ से कट कर दी है और पानी वहाँ को तो पूरा पानी जा रहा है पर सोलन शहर के लिए जो है वो कट लगा दिया जाता है, तो ये उनकी गलत बात है। पहले जिस मकसद के लिए स्कीम बनी है पहले वहाँ पानी की स्टोरेज फुल होनी चाहिए, उसके बाद जो है एक्स्ट्रा पानी देना वहाँ जरूरी है। अगर वो पानी देते हैं, अगर इतना अनिवार्य है उनको पानी के लिए, तो वो पीछे से ही जो अपनी स्पेशल एक लाइन बिछाए और वहाँ से डायरेक्ट पानी ले, ना कि हमारी स्कीम में से वो जो पानी की कटौती करे। हो सकता है राजनीति दबाव हो, मंत्री जी का भी प्रेशर हो, वो अपने एरिए में तो पूरा पानी दे रहे हैं, सोलन शहर में पानी कम दे रहे हैं, ऐसा नहीं, इसमें बीजेपी कांग्रेस की कोई सवाल नहीं है। पानी सबको चाहिए होता है, पानी जो जिस काम के लिए जो स्कीम बनी है पहले पानी वहाँ पूरा होना चाहिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है वो पानी आगे सप्लाई देनी चाहिए थी। सुबह IPH एक्सचेंज से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 1-1.5 बजे के बाद जो है हम वहाँ की सप्लाई बंद करके आपका स्टोरेज टैंक फुल करवाएंगे और जैसे हम शाम तक वॉच करते हैं, अगर वो हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे, उनसे बात करेंगे और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास स्टोरेज होगी तो हम लोगों को पूरा पानी जो है पहुँचाएंगे।